अब कौन दोनों को समझाए समझाए कौन हमने तो राज किया है हमारे राज के टाइम पे यहां पे राजाओं ने राज किया है उस टाइम तो कोई हिंदू मुसलमान का नहीं था पच्चीस हजार स्क्वायर किलोमीटर है मेरे पास में डाट आई एम द सिक्स डंके के चोट पे राज किया है आज भी जितना मुसलमान पच्चीस हजार स्क्वायर किलोमीटर में बैठा हुआ है हर कौम से मुसलमान की कौम से तो हिंदू और मुस्लिम की बात आती ही आती है आज कई प्रकार के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते है उनके हालात ठीक नहीं है उनको परेशान किया जा रहा है हकीकत क्या है क्योंकि आपसे भली भांति कोई नहीं जान सकता ये सब वहाँ की भी इंडिया की भी कहती है कि हिंदू वहाँ एक समय बीस बाईस आज दो रह गए भारत और पाकिस्तान के आज सियासी रिश्ते चाहे कैसे भी हो लेकिन दोनों मुल्कों में रहने वाले लोगों के सामाजिक रिश्ते आज भी बरकरार हैं दोनों देशों के बीच सरहद भले ही है लेकिन यहाँ पर रहने वाले दोनों देशों के लोगों के बीच आज भी बेटा बेटी का रिश्ता होता है और यहाँ के लोग इसे बखूबी निभाते भी हैं पाकिस्तान सिंध अमरकोट के छब्बीसवीं राणा हमीर सिंह जी दोनों पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं खूब आवाभगत की जा रही है और यहाँ के लोगों से इनका मिलना जुलना भी हो रहा है राणा साहब हमारे आ, आप इस क्षेत्र में लगातार आते रहते हैं और यहाँ के लोगों को खूब आप लोग का आवा भी करते हैं आपका सबसे पहले तो स्वागत है किस तरीके का आपका ये दौरा है एक सामाजिक दौरा और किस तरीके से आप काफ़ी साल पहले आते हैं और आज भी यहाँ आ रहे हैं क्या विशेष बदलाव आपको यहाँ नजर आया मैं मेरा भी आना हुआ है पाँच साल के बाद नहीं तो हर साल मैं आता हूँ और पूरे तीन महीने करके जाता हूं अब पांच साल के बाद में भी आए तो भारत सरकार की ये दया कृपा है कि फोर्टी फाइव डेज की ही वीज़ा दी है। बाकी जो रिश्तेदारी है जो आज से नहीं पीढ़ियों से है हम दोनों साथ बैठे हैं रिश्तेदारी है हमारी युगों से है सो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ की जो आपकी रिश्तेदारी है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक अभी भी ठीक है कि भारत और पाकिस्तान के जो बिगड़े रिश्ते बिगड़े हैं उसके चलते थार एक्सप्रेस एक विशेष साधन था यहाँ के लोगों को, को जोड़ने का वो पिछले लंबे समय से बंद पड़ी और यहाँ के लोग मांग कर रहे और हो सकता है यहाँ के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहने वाले वो आप लोगों से भी मांग करते होंगे तो कहीं ना कहीं एक पहल ये करनी चाहिए यहाँ की और वहाँ दोनों सरकार सबसे पहले सबसे पहले ये जो थार एक्सप्रेस थार एक्सप्रेस की आपने लोली लगाई है वो अपनी जगह पे सही है पर इसका इतिहास जानना जरूरी है इतिहास जानना जरूरी है तो वो इतिहास ये है को इसको राजा की रेल कहते थे राजा की रेल ये जोधपुर हिसाइनस जोधपुर स्टेट की बिछाई हुई पट्टी है ब्रिटिश नहीं खुद जोधपुर स्टेट की तरफ से यहां पे जोधपुर से लेके बाड़मेर, बाड़मेर से मोनावा मोनामा से लेके खोखड़ोपार मीरपुर खास हैदराबाद एंड कराची उस टाइम की सोच थी आज है हंड्रेड परसेंट टेक्नोलॉजी पर उस टाइम की सोच देखें कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कैसे रखना है व्यापार कैसे करना है करके उन्होंने दिखाया करके दिखाया उन्होंने और ना कि सिर्फ ये मोनाबा से आप खोखड़ो पार आ जाए एंड खोखड़ो पार से लेके डोरो नारो मीरपुर खास हैदराबाद कराची जितना भी हुक्म प्लेटफॉर्म बनी रहा है जितना भी प्लेटफॉर्म बनो रहा है वो जोधपुर के पत्थर के बने हुए क्या उसी सोच को आज कायम नहीं रख रहे हैं कुछ राजनेताओं के चलते कुछ ये आपसी रिश्तों के चलते वो सोच आज कायम नहीं है राणा राणा साहब को क्या लगता है ये तो दोनों तरफ से पिछहत्तर साल हुए पिछहत्तर साल से टी -टू, टी -टू चल रही है उसमें आपका भी योगदान है सो <laughs> so, एक दूसरे पे हालांकि वही कल्चरली वही कल्चर है तारीख है रेस है पर बंटवारे के बाद में दोनों की जो है वो संबंध बनते भी हैं, फिर बिगड़ जाते हैं फिर बनते हैं पर ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा।

ना ही मेरी ये सोच है ना ही मेरी सोच है मुसलमान उससे उसको कहे उस लुटेरों को कहे लुटे जो बाहर से आया था और हिंदुस्तान को लूट के गया है यहाँ पे जिनको मुसलमान कहते हैं वो हिंदुओं से ही थे बने 22 करोड़ करोड़ की आदमशुमारी है पाकिस्तान में 22 करोड़ की 75 परसेंट वो मुसलमान है जो राज, डायरेक्ट राजपूत से कन्वर्ट हुआ है और गर्व से कहता है कि मैं पहले राजपूत हूँ पाकिस्तान फोर्सेस जो हार्ड कोर है वो सारा झेलम बेल्ट से आता है। जाके तो राजा पोरस की औला अब आप नई पीढ़ी जो है ये लोली लगा के बैठे और लगाते रहो तो क्या राणा साहब को लगता है वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है तो हिंदुओं के साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स वहाँ की भी इंडिया की भी कहती है कि हिंदू वहाँ एक समय बीस बाईस प्रतिशत रह गए हैं। पलायन वहां से किया जा रहा है? पलायन हर जगह से होता है पलायन का कोई सबक नहीं है पलायन क्या ये जिस राजा की रेल की मैं बात कर रहा हूँ राजा की रेल की बात कर रहा हूँ मीरपुर खास से लेके हैदराबाद हैदराबाद से कराची पर मीरपुर खास से हैदराबाद आप इस इस वक्त इस इक्कीसवीं सदी में ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो रेल की पटरी के दोनों तरफ मारवाड़ी मेघवार और मारवाड़ी भील बैठा हुआ है क्योंकि जब उस टाइम मारवाड़ में अकाल पड़ता था तो हम सिंध इनको पालते थे यही होगा मजदूरी करने वहां क्योंकि वहां पे नहरें आए चुकी थी तो ये पल तो यहाँ से तो सबसे पहले चालू ही आपने किया अच्छा राणा हमीर सिंह जी ने एक सामाजिक सरोकार को लेकर बहुत अच्छी बात कही है कि एक नई पीढ़ी है वो लूली लगा के बैठे है तो क्या आपको भी लगता है कि आज के जमाने में जिस तरीके से बातें आ रही है ये सब भूल के और सामाजिक समरसता बनाने के लिए कई लोगों को आगे आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल आप इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करें हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ से वो कहते हैं कि मुसलमान के साथ में हिंदुस्तान में अत्यार हो रहा है शूद्र के साथ में अत्याचार हो रहा है अब कौन दोनों को समझाए समझाए कौन हमने तो राज किया है हमारे राज के टाइम पे यहाँ पे राजाओं ने राज किया है उस टाइम तो कोई हिंदू मुसलमान का नहीं था पच्चीस हजार स्क्वायर किलोमीटर है मेरे पास में डाट आई एम द ट्वेंटी सिक्स डंके के चोट पे राज किया है आज भी जितना मुसलमान पच्चीस हजार स्क्वायर किलोमीटर में बैठा हुआ है हर कौम से मुसलमान की कौम से एक मेरा प्रधान है मेरा पग बांधता है दस्तूर यहाँ पे अभी तक आपके पास पच्चीस हजार स्क्वायर किलोमीटर में कोई गवत्या नहीं है कोई गवत्या नहीं है ये क्यों नहीं बताते आप नहीं बताए ना आपके पास